नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। मनीष एंड सतीश पार्टनर्स हैं, 4:3 की रेशो है उनकी और कोमल एडमिट हो रही है 1/10 शेयर के लिए। कोमल अपने कैपिटल के लिए स्टॉक लेकर आई है 30,000 का, लेकिन उसकी वैल्यू पड़ रही है कितनी, 25,000, ठीक है। और गुडविल का शेयर जो है 10,000, उसके लिए उसने बोला कि मेरे अपना लो लोन अकाउंट, ठीक है, 12% पर एनम पर। तो जो भी वो लोन क्रिएट कर रहे हैं उसमें एग्रीमेंट हुआ कि वो आफ्टर 6 मंथ पे कर देगी विद इंटरेस्ट, ओके। तो जर्नल एंट्री डालने को बोला है हमने हमें, तो चलिए फिर करते हैं। तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। पहली जर्नल एंट्री आएगी हमारे पास स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कोमल से कैपिटल अकाउंट, स्टॉक की वैल्यू हमारी है 25,000, तो 25,000 दोनों आ जाएंगे और नरेशन आ जाएगी बीइंग कोमल ब्रिंग कैपिटल इन स्टॉक। सेकेंड जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल की, उसके लिए उसका एक लोन अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या जर्नल एंट्री आ जाएगी, कोमल्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना है शेयर, 10,000 डाल दीजिए। तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ड्यू फ्रॉम कोमल। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री आ जाएगी जी, प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट टू सतीश कैपिटल अकाउंट कर दीजिए। तो सैक्रीफाइसिंग रेशियो हमें मनीष और सतीश की नहीं दी, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रीफाइस मान लेंगे हम, 4:3। तो मनीष का शेयर आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7 किया तो 5,714.28, तो इसको 14 रहने देते हैं, ठीक है। सेम वे सतीश का कैलकुलेट कर लीजिए, सतीश का आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7 किया तो 4,285.71, तो ये बन जाएगा 86 राउंड ऑफ करके, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग गुडविल क्रेडिटर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सैक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 4:3। अब ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन अब जो 6 मंथ के पीरियड के बाद हमें पेमेंट मिलेगी प्रीमियम फॉर गुडविल की, उसकी जर्नल एंट्री की भी आपको रिकॉर्ड कर देते हैं। डेट में लिख लीजिए आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि हमें डेट गिवन नहीं है। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कोमल्स लोन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो कॉमन का लोन का अमाउंट है हमारे पास 10,000 का, इंटरेस्ट बन जाएगा उस पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है। तो ये आ गया 600, तो टोटल बैंक में हमारे पास पैसे आ जाएंगे 10,600। तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अमाउंट ऑफ लोन रिसीव्ड अलोंग विद द इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट द 12% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। एक्स वाई जेड पार्टनर है 3:1 रेशो में, ए एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में 1/6 शेयर के लिए, ठीक है, जो कि वो ले रहा है एक्स एंड वाई से इक्वली, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी दे दी आपको क्वेश्चन में, ओके। और लिखा है ए दे रहा है स्टॉक 30,000 का, डेटर 10,000 के, कंप्यूटर 20,000 का, अपने शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल के लिए, ठीक है। और जो गुडविल की फर्म की वैल्यू है वो है 48,000, ठीक है। तो जर्नल एंट्री डालने को आपको बोला है, तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले जर्नल एंट्री डालेंगे हम स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट और ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट नहीं लिखेंगे हम, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट लिखेंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर हमें बताया नहीं है, वो है 48,000 फर्म का, उसमें से उसका 1/6 शेयर निकाल लेंगे हम, तो वो कितना बनता है, 48,000 मल्टीप्लाई 1/6 किया तो ये बना 8,000, ओके। तो बाकी जितना भी बैलेंस आएगा वो हम कैपिटल में डाल देंगे। स्टॉक हमारे पास है 30,000 का, डेटर है 10,000 के एंड ऑफिस की इक्विपमेंट है 20,000 के। टोटल अमाउंट है हमारे पास 60,000, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000, तो कैपिटल हमारे पास आई है 52,000, ओके। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जेड की कैपिटल नहीं डाल देंगे बिकॉज ओनली एक्स एंड वाई ही सैक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमारे पास सैक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है 1:1, मीन्स इक्वल रेशियो है। तो प्रीमियम का अमाउंट है हमारे पास 8,000, तो एक्स का शेयर आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 1/2 4,000 एंड वाई का भी आ जाएगा 4,000, ओके। तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 1:1।
नेक्स्ट 35th में सीता एंड गीता पार्टनर्स है इक्वल रेशो के, ठीक है। और मीता आ रही है 1/5 शेयर के लिए बिजनेस में, और 1st April 2020 को बताया है कि गुडविल की वैल्यू है 10 लाख रुपीज, और 31st मार्च को थी 2020 को 8 लाख ऑलरेडी जो बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, पहले ही गुडविल है और नई भी वैल्यू की हुई है। और उसके बाद क्या बताया है कि सभी पार्टनर मिलकर एग्री हैं कि जो पार्ट गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में उसको हम ऐसे ही कंटिन्यू कैरी ऑन करेंगे, मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, राइट ऑफ नहीं करना, कंटिन्यू ही करना है, उस पर एग्री हो चुके हैं, ठीक है। और जो मीता लेकर आ रही है अपना शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक लेकर आ रही है, और जर्नल एंट्री डालने को आपको बोला है गुडविल की, ओके। अब बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल एक लॉजिक है इसमें, क्या लॉजिक है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको रिटेन करना है बिजनेस में। जब भी आपको बोला है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटेन करना है बिजनेस में, आपने टोटल गुडविल जितनी आपको दी हुई है उसमें से एग्जिस्टिंग गुडविल आपको सब्ट्रैक्ट कर देनी है, जो बैलेंस बचता है उसी का ही शेयर लेकर आएगा न्यू पार्टनर, ओके। तो चलिए फिर जनरेटी डाल लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा, अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 10 लाख माइनस 8 लाख किया तो 2 लाख आ गया, 2 लाख का 1/5 किया तो 40,000 आ गया, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया अपने मीता 40,000, ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय मीता इज इक्वल टू 1/5 ऑफ रुपीज 2 लाख, दैट इज 10 लाख माइनस 8 लाख बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल। तो सेकेंड जनरेटरी में ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो क्या जनरेटरी बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट टू गीताज कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास 40,000, रेशो दोनों की है इक्वल, सैक्रीफाइस हमें गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही हम सैक्रीफाइस मान लेंगे, ठीक है। तो दोनों का शेयर आ जाएगा 20,000 20,000, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रीफाइसिंग रेशो। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।